अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एवरीवन इन आवर चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रिजल्ट है हमारे साथ, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट द यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज नीड नॉट बी टोपोलॉजी। ठीक, कहते हैं कि लेट्स सपोज एक्स हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, काउंटर टू एनी टू टोपोलॉजीज डिफाइन एज सेम सेट एक्स के ऊपर। तो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि इन टोपोलॉजी का जो यूनियन है वो भी सेम सेट एक्स के ऊपर क्या हो, टोपोलॉजी हो। ठीक है, अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले एक बात जो है आप लोग अपने साथ जहन में रख ले, वो है कि मैथमेटिक्स में बेसिकली टू तरह के रिजल्ट होते हैं, एक वो जो इन जनरल ट्रू होते हैं और एक वो जो इन जनरल ट्रू नहीं होते। ठीक है, जो इन जनरल ट्रू होते हैं वो रिजल्ट जो है हम जनरली प्रूव करेंगे, जिस तरह के डिफरेंट थ्योरम। ठीक है, लेकिन जो इन जनरल ट्रू नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एटलीस्ट एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे कि वहाँ पर वो क्या हो, फेल करता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इससे पहले के लेक्चर में हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज जो है ना एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और थावन टाटू एनी टू टोपोलॉजी सेम सेट एक्स के ऊपर। तो हमने वो डिस्कस किया था कि जो है ये दो जो टोपोलॉजी इनका इंटरसेक्शन जो होता है, थावन इंटरसेक्शन टाटू, ये जो है सेम सेट एक्स के ऊपर आइगेन टोपोलॉजी होगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है, इन जनरल ट्रू है। ठीक है, लेकिन दूसरा रिजल्ट ये जो हम अभी डिस्कस करने जाएंगे, लेट्स सपोज कोई नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, उसके ऊपर टावन टाटू इन टू टोपोलॉजीज डिफाइन है, तो जरूरी नहीं है कि इन टोपोलॉजी का जो यूनियन है वो सेम सेट एक्स के ऊपर क्या हो, टोपोलॉजी हो। ठीक है, तो इसके लिए हम एटलीस्ट वन एग्जांपल जो है ना देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एक्स हमने लिए ए बी सी और इसके ऊपर हमने टू टोपोलॉजीज लिए, एक था वन फाइव ए एक्स और दूसरा था टू फाइव बी एक्स। ठीक है, आर टू टोपोलॉजीज एंड एक्स। अब टावन टाटू का हमने यूनियन ले लिया, तो उसके यूनियन में आता है फाइव ए बी एक्स। ठीक है, तो कहते हैं कि इसका जो यूनियन है इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। क्यों? बिकॉज क्योंकि ए और बी ये टावन यूनियन टाटू में बिलोंग करता है, बट लेकिन इनका जो यूनियन है, ठीक है, ए यूनियन बी, वो ए बी के बराबर है, वो डज नॉट बिलोंग टू टावन यूनियन टाटू। ठीक है, तो ए और बी वहाँ पे टावन यूनियन टाटू में बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि जो टोपोलॉजी का जो कंडीशन है यूनियन वाला वो यहाँ पे फेल होता है। तो इट मीन्स दैट के टावन यूनियन टाटू सेम सेट एक्स के ऊपर टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, हमने एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स लिया, इसके ऊपर हमने टावन टाटू एनी टू टोपोलॉजीज डिफाइन किए, इन टोपोलॉजीज का जब हमने यूनियन ले लिया, ठीक है, तो वो सेम सेट एक्स के ऊपर क्या है, टोपोलॉजी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो यूनियन वाला रिजल्ट है यह इन जनरल ट्रू नहीं है, यहाँ पे फेल होता है। ठीक है, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट वी कंक्लूड दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज अगेन अ टोपोलॉजी बट द यूनियन मे नॉट नेसेसरी बी अ टोपोलॉजी ऑन द गिवन नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, कहते हैं कि किसी नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर दो टोपोलॉजी का जो इंटरसेक्शन होता है वो अगेन टोपोलॉजी होता है। ठीक है, ये रिजल्ट इन जनरल ट्रू है, लेकिन दो टोपोलॉजी का जो यूनियन होता है वो जरूरी नहीं है कि वो अगेन भी सेम सेट एक्स के ऊपर टोपोलॉजी हो। ठीक है, अच्छा, एक और नोट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि द यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज अगेन अ टोपोलॉजी इफ वन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ द अदर। ठीक है, कहता है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, था वन था टू, ठीक है, ये हमने टू टोपोलॉजीज दे लिए सेम सेट एक्स के ऊपर। ठीक है, अब कहता है कि इन दो टोपोलॉजी का जो यूनियन होता है वो सेम सेट एक्स के ऊपर टोपोलॉजी होगा, लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन है, वो है या तो था वन था टू का सबसेट होगा या था टू था वन का सबसेट होगा। ठीक है, या टाटू टावन का सबसेट होगा। तो इन दो कंडीशन में अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हैं तो इन दो टोपोलॉजी का जो यूनियन होता है वो जरूरी है कि वो एक्स सेम सेट एक्स के ऊपर क्या हो, टोपोलॉजी हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों को कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।